एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और मिडिल मैन बीच में जो कमीशन ले जाते हैं? यहाँ मिडिल मैन कोई नहीं है, यहाँ तो सीधा B2B है। और देश में वैसे तो कहने को 35 लाख आर्टिजन हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 50 लाख से ऊपर आर्टिजन हैं, और सबको एक उनको नंबर दे करके सबको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं उनको। और सबसे बड़ी बात है कि लगभग 40,000 करोड़ का एक्सपोर्ट का मार्केट है, तो ये जो डोमेस्टिक है वो लगभग 1,00,000 करोड़ का मार्केट है। आप यहाँ देखेंगे 100-150 दुकान हैंडलूम ने लगवाया है, सबकी बिक्री जो मैं पूछ रहा हूँ उससे लग रहा है ये मार्केट भी बहुत बड़ा मार्केट है। और इससे आर्टिजन को सीधा लाभ मिलता है, डिपार्टमेंट इनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे करके ये मार्केटिंग भी सिखाया है, और इनको जो जगह दी जाती है उसका कोई चार्ज नहीं के बराबर है। इससे इनका जो प्रोडक्ट है वो दूसरे के प्रोडक्ट से बहुत सस्ता होता है। राहुल गांधी के मन में छिपा हुआ है कि कश्मीर में फिर से वो 370 लगा देने की बात सोच रहे हैं, जो देश कभी नहीं कबूल करेगा। और राहुल जी उस दिन से मुरझाए नजर आते हैं जिस दिन उन्हें पूछा गया कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, उस दिन से मुरझाए मुरझाए नजर आते हैं।